सिनेमा जगत में इस वक्त अगर किसी फिल्म का क्रेज है तो वो है केजीएफ चैप्टर 2 का और रॉकिंग स्टार रॉकी का। जो क्रेज इस वक्त केजीएफ चैप्टर 2 के लिए है उससे कहीं ज्यादा क्रेज होने वाला है केजीएफ चैप्टर 3 का। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, चैप्टर 2 में हमें रॉकी को मरते हुए दिखाया गया है, ये सच है कि केजीएफ चैप्टर 2 ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है तो रॉकी द मॉन्स्टर इस तरह से हार मान लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। केजीएफ फैंस के लिए रॉकी की मौत एक बहुत बड़ा सस्पेंस बनी हुई है, क्योंकि केजीएफ फैंस थ्योरी के मुताबिक रॉकी अभी जिंदा है। ये केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील की एक बहुत बड़ी योजना है जो सालार फिल्म से जुड़ी हुई है, जो सीधे केजीएफ चैप्टर 3 को प्रमोट करती है। और अब रॉकी रुकने वाला नहीं है क्योंकि केजीएफ यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम केजीएफ चैप्टर 3 से जुड़े कुछ ऐसे एविडेंस को बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप केजीएफ चैप्टर 3 का इंतजार बेसब्री से करेंगे। वर्ल्ड फेमस ब्लॉकबस्टर मॉन्स्टर मूवी केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट सीन में मेकर्स ने केजीएफ चैप्टर 3 की अनाउंसमेंट करके फैंस को और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है कि आखिर रॉकी के मरने के बाद चैप्टर 3 में क्या होगा, क्या रॉकी के बिना केजीएफ चैप्टर 3 बन पाएगी, क्या रॉकी जिंदा है। दरअसल प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म सलार, जिसके लीड रोल में प्रभास होने वाले हैं, इसके साथ ही एक हिडन कनेक्शन के साथ फिर से वापस आ जाएगी केजीएफ। केजीएफ सलार के कनेक्शन की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम रॉकी भाई के लेटर यानी कि लास्ट सीन की बात करते हैं। अगर आपने पूरी फिल्म देखी है तो चैप्टर 2 में ही केजीएफ चैप्टर 3 का जिक्र हुआ था, शायद आपको कोई आइडिया ना हो। खैर मैं आपको दो नाम बताता हूँ जो इसके पार्ट 3 की टाइमलाइन को क्रिएट करते हैं, और वो है इनायत खलील और जिमी कार्टर, जिसमें जिमी कार्टर वो किरदार है जिसका सीन मुश्किल से एक मिनट के लिए फिल्म में आता है। ये वही इंसान है जो तब मिलता है जब रॉकी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ रमिका सेन के पास पहुंचता है और वो उसे वहां बैठा हुआ मिलता है। तब रॉकी उसे अपनी पहचान देता है कि वह इंडिया का CEO है। उसके बाद जिमी कार्टर का कोई भी सीन फिल्म में दोबारा नहीं आता। अब दूसरा नाम है इनायत खलील का, ये वही शख्स है जब रॉकी पूरे सोने को लेकर इनायत खलील के साथ डील करके एक बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए प्लान बनाता है। बाद में इंडियन आर्मी रॉकी पर हमला कर देती है और रॉकी को मार देती है। तभी इस खबर पर इनायत खलील कहता है कि एक आखिरी कफन इंडिया भिजवा दो। अब ये मैसेज आपको एक नॉर्मल मैसेज लग रहा होगा, लेकिन ये एक क्लू होता है कि रॉकी इतना बेवकूफ नहीं है। इतनी मेहनत से अपने नाम किए गए सोने को और खुद को आर्मी के हाथों मरवा दी। रॉकी खुद एक लेटर इंडियन आर्मी को फैक्स करता है जिसमें लिखता है कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। और उसने ये फैक्स अमेरिकन और इंडोनेशियन आर्मी को भी भेजा था और उन दोनों कंट्रीज के सिप उसके नजदीक आ रहे होते हैं। तभी रॉकी पर अटैक हो जाता है और वह 20,000 फीट गहरे समुद्र में गिर जाता है। सबको लगता है कि यह मॉन्स्टर खत्म हो गया, लेकिन यह मास्टर प्लान खुद रॉकी ने किया था। इस सीन में यह भी बताया गया है कि जिस जगह पर रॉकी गिरा उस जगह किसी भी चीज को नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि जहां रॉकी डूबता है वह एरिया इंटरनेशनल ओशन होता है, उसी के आसपास अमेरिकन शिप आ जाते हैं। हो सकता है ये सब अमेरिका के CEO जिमी कार्टर और रॉकी के बीच कोई बड़ी प्लानिंग हो जिससे सबको लगे कि रॉकी मर चुका है, क्योंकि जब रॉकी डूब रहा होता है तब ना ही उसे कोई गोली लगी होती है और ना ही किसी तरह की चोट या जख्म जिससे ये लगे कि उसकी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि बस हमें उसे डूबते हुए दिखाया गया है कि रॉकी मर चुका है। अब इस सीन को ही देख लो। तो इससे रॉकी भाई का क्या होने वाला है? अब फ्लैशबैक में एक बचपन का सीन आता है जब भीगने के कारण रॉकी को निमोनिया हो जाता है और उसकी माँ कहती है कि इसे कुछ नहीं होगा। तो इससे एक बात साफ है कि पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी पानी में डूबकर रॉकी की मौत हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। और अब तो रॉकी के बचने का मकसद भी है, वो मकसद है दुनिया। और उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा, जो उसके पास था वो पहले ही मारी जा चुकी होती है। अब यहाँ पर एक सस्पेंस और क्रिएट होता है कि रॉकी इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। उसे पता है कि केजीएफ पर कभी भी अटैक हो सकता है, तो श्रीनिधि शेट्टी जो रॉकी की प्रेमिका है उसे ऐसे बिना किसी गार्ड्स की सिक्योरिटी के कैसे घूमने दे सकता है। खैर मुझे क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा मास्टर मॉन्स्टर प्लान हो सकता है जो सबको उल्लू बना रहा है। अब आते हैं सालार की हिडन स्टोरी पर। आपको ये चेहरा तो अच्छी तरह याद होगा जिसने संजू बाबा यानी अधीरा के भी हाथ कपकपा दिए थे। वो बात अलग है कि संजू बाबा की पकड़ इतनी मजबूत थी
के ट्रक पर ट्रक उस पुल से निकल जाते हैं। अब इस लड़के को, जिसका नाम फरमान था, हो सकता है इसको ही सलार मूवी में प्रभास के रूप में दिखाया जाए। चैप्टर 2 में ये दिखाया गया है कि ये लड़का मर चुका है, लेकिन इस पर विश्वास करना फिलहाल तो मुश्किल है, क्योंकि जब डेड बॉडी आती है तो उसकी माँ को उसका चेहरा देखने से रोक दिया जाता है और न ही उसे मरते हुए दिखाया जाता है। और यहीं से चैप्टर 2 की अगली कड़ी बनकर तैयार हो जाती है, जो सलार मूवी में देखने को मिलेगी। KGF चैप्टर 2 में फरमान की माँ ऐश्वरी राव प्रभास की आने वाली मूवी सलार में भी सलार की माँ का रोल प्ले करेंगी, तो ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि फरमान ही है जो सलार में प्रभास के रूप में दिखेगा। और हो सकता है कि फरमान की मौत की खबर झूठी हो और रॉकी उसे ट्रेंड करके US भेजना चाहता हो, ताकि वह दूसरे देशों में भी रॉकी की मदद कर सके। और सलार भी एक वॉर मूवी होने वाली है। अगर फरमान ही सलार है तो हो सकता है वह अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा हो, और यही कनेक्शन है जो KGF चैप्टर 2 को चैप्टर 3 से जोड़ने वाला है। एक बात और, सलार के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वही KGF और KGF चैप्टर 2 के हैं, यानी प्रशांत नील। सेम डायरेक्टर और सेम प्रोड्यूसर की फिल्म सलार में इतना सब कुछ सिमिलर है। इन शॉर्ट, सलार KGF यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। अगर आपको सिमिलैरिटी चाहिए तो इस फोटो को जरा गौर से देखो। इस इमेज की सिमिलैरिटी को शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फरमान ही सलार है। जैसे रॉकी फरमान को बचाने की प्लानिंग करता है, वैसे ही हो सकता है कि सलार भी अमेरिकी CEO जिमी कार्टर से मिलकर रॉकी को बचाने का प्लान किया होगा। और KGF चैप्टर 3 की स्टोरी उस टाइमलाइन की हो सकती है जिसको चैप्टर 2 में फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया था, यानी कि 1978 से 1981 के बीच में होने वाली है KGF चैप्टर 3 की स्टोरी। इस बीच KGF में जो प्रोग्रेस हुआ था और बड़े बड़े घर बने और रॉकी का एम्पायर खड़ा हुआ, इसके काफी चांसेस हैं कि रॉकी द मॉन्स्टर की वो जर्नी देखने को मिलेगी जो इंडिया से बाहर की है। इन 3 सालों में रॉकी ने US के साथ 16 और कंट्रीज में क्राइम किया था। इसका एक छोटा सा पार्ट हमें चैप्टर 2 में देखने को मिलता है, जब रॉकी इनायत खलील को अपना मॉन्स्टर रूप दिखाता है, और उसी समय सलार जो KGF को रिवील कर रहा था उस मॉडर्न KGF का फोटो जिसे रमिका सेन देख रही होती हैं, वह भी हैरान रह जाती हैं। वैसे ये सलार की भी प्लानिंग हो सकती है, जब रॉकी सारा सोना लेकर जा रहा होता है जो KGF में हिडन होकर चुपचाप काम कर रहा था। वैसे रॉकी की मौत को लेकर आप हैरान नहीं हुए? मतलब जब रॉकी रमिका सेन से मिलता है तब वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जंग ना हो, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा मैं ही। यानी रॉकी हार मानने वालों में से नहीं है। एक मॉन्स्टर ऐसे सुसाइड नहीं कर सकता, फिर सामने कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन ही क्यों ना हो, फिर इस जंग के बाद उसे दुनिया भी तो जीतनी है। तो गाइस, अब KGF एक यूनिवर्स बनने जा रहा है, जैसे मार्वल यूनिवर्स। 2023 में सलार देखने को मिल सकती है, उसके बाद KGF चैप्टर 3। एक सबसे बड़ी बात और है जिससे आपको झटका लगने वाला है, KGF मेकर्स ने एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि KGF चैप्टर 3 के बाद KGF की फ्रेंचाइजी बगीरा भी आने वाली है, जिसे सेम डायरेक्टर यानी प्रशांत नील ही डायरेक्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद बढ़ जाती है कि KGF यूनिवर्स अब रुकने वाला नहीं है। इसके बाद KGF चैप्टर 4 और 5 भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का प्रशांत नील का विजन है, उससे हॉलीवुड की मार्वल यूनिवर्स को हमारा इंडियन सिनेमा यानी KGF यूनिवर्स बीट कर पाएगा? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। सलार, KGF चैप्टर 3 और बघीरा के लिए आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।